हम लोग हैं एन एस गोड फार्म पे हमारे साथ में सोहेल भाई और साथ में हुजैफा भी है वालेकुम सलाम वाले हुजैफ़ा जो है पेट्स वर्ल्ड एंड एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल के ओनर है बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं इन इन फ्यूचर आपको इनकी तरफ से बहुत अच्छी एडिटिंग और बहुत अच्छी चीज़ें देखने मिलेगी जब ये मेरे साथ में काम करे तो बट ऑबियसली यू कैन नो कि इन मैं ये कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा बट इनशाला जो मुझे आता है मैं इनके इनके थ्रू पास ऑन करने की कोशिश करूँगा इनशाला ये जो अभी मैं इनको खास करके बताने लाया हूँ कि वीडियोस वगैरह ऐसे तो शूट किया जाता है तो ये मेरा पर्पस था कि ये एक यंगस्टर है सो ही डू इट मच बेटर देन मी इनशाला मेरे से बेटर बहुत ज़्यादा बेटर करेंगे, करेंगे इनशाला और कर भी रहे हैं नहीं नहीं। आ, तो हुजैफा आप स्टार्ट कीजिए मैं चाहूँगा कि ये इंटरव्यू आप लीजिए ताकि मैं आपसे सीखू आप कैसे लेते हैं इंटरव्यू आप ही लो सही रहेगा थोड़ा Okay. आपसे सोहेल भाई पहले भी मिल चुके हैं जी तो थोड़ा बेहतर अच्छे से बातचीत होगी ओके okay. इसके लिए साथ में थोड़ा वीडियो मेरा भी ऑन ही है कैमरा ठीक ये कोलैबोरेशन वीडियो है बेसिकली तो ये दो बकरे हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छे बकरे हैं और देख सकते हैं आप लोग क्वालिटी ये बकरे को थोड़ा सीधा कर लेंगे भाई वाइट वाले को हाँ ये बकरे हैं काफ़ी अग्रेसिव है तो सोहेल भाई से बात करेंगे सलाम सोहेल भाई वालेकुम सोहेल भाई ये साल काफ़ी अच्छे बकरे लेकर आए हो पहले ही हम लोग ने तीन से चार बकरे देख चुके हैं अभी और दो क्वालिटी में बकरे देख रहे हैं माशाल्लाह क्वालिटी मुझे क्वालिटी बता सकते आप हो आप बकरे पालते हैं अच्छी पहली वीडियो में मैंने जैसा बताया जी कि मैंने एक बकरा अलग निकाला जी आप लोगों को भी पता है भाई ने भी बोले कि उसको अलग क्यों निकाले जी ओला मेरे को बहुत अच्छा लगा वो बकरा तो खरीदने वाले हो क्या नहीं अच्छा लगा अच्छा

सोहेल भाई बहुत अच्छा रिव्यू मिल गया आपके फार्म को <laughs> तो सुल भाई ये बकरे के बारे में बात करेंगे सबसे पहले जो भाई के हाथ में और वो वो बकरे को बांध देते हैं क्योंकि बहुत हिल रहा डुल रहा है बांध के आप लोग को वापस से मिलते हैं आ, वैसे हुजैफा कैसे शूट करते हो वो बता दो लोगों को कि कैसे आपका टाइमिंग है शेड्यूल वग़ैरह क्या है बता दो थोड़ा अभी तो शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है काफ़ी बिजी चल रहे हैं माशाल्लाह अभी तो मतलब हर जगह मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जी 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 अभी किसी को बनाना रहेगा तो कॉन्टेक्ट कर सकता है मेरे आई पर मेरा नंबर मिल जाएगा इन तो अभी जिसको भी बनाना है कॉन्टेक्ट करो अभी शे, शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है हर जगह वीडियो बनाने जा रहा हूँ और अभी तो फोन से ही शूट कर रहे हैं इनशाला फोन से शूट करते हैं बेसिकली अच्छा कैमरा खरीदेंगे आज मज़ा आ गया हाँ। पता चला कि कैसे एडिटिंग करें आपने नहीं नहीं भाई ये कोई मैं ये मेरे लिए शुक्रिया मत बोलो ये जो भी अल्लाह का एहसान है और ऐसे फार्मर्स लोग का एहसान है जिन्होंने जिनकी वजह से मैं हूँ और मेरे वजह जो व्यूवर्स है मेरे उनके वजह से हूँ मैं और आप लोग के वजह से जो इतना मुझे समझते हैं कि मैं इतना कैपेबल हूँ वो चीज़ें करने के लिए जजाक अल्लाह फॉर देट ये कोई घमंड तकबर नहीं आना चाहिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोई कैपेबल नहीं हूँ कोई चीज़ों का सब चीज़ अल्लाह देने वाला है और अल्लाह ही करवाता है सबसे तो so बेटर ये ये आप भी एटीट्यूड रखना हुजैफा कि कोई भी अगर आपसे हेल्प मांगना है तो इनशाला वो चीज़ आप आगे होके फॉरवर्ड हो और सब चीज़ें बताना वैसे मैं बता दूँ क्लियर कर दूँ हुजैफा मैंने सब चीज़ बता दी आपको मैंने सब कौन सब, सा ऐप यूज़ करता हूँ कैसे आ, सब, क्या सब, 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 सब कुछ ओपन करके दिया मैं एडिटिंग करता हूँ बनाता हूँ सब भाई। नहीं। 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 सब भाई कुछ कुछ छुपाए अपना अलग साथ में बनाए हाँ। और अच्छे से बनाए इन तो, दे तो दे। आप उस उसमें मेहनत करना तो अभी आते हैं बकरे पे सोहेल भाई काफ़ी अच्छी क्वालिटी है बकरे की फुल वाइट में कोटा है और जैसे आपके इनके बाल इतने कैसे बकरों के मुझे वो बताओ क्योंकि कोटा के बाल आना और इतने बाल झालर में मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ी बात है सब एक लेते ज़ोरदार शौक कर रहे हैं <laughs> काफी अच्छा बकरा है आ, वैसे इसको कितना टाइम हो गया परचेस करके अपने पास अभी चार महीने से परचेस किए तो ये कहाँ से आया है वैसे ये कोटा जंगल से ही है। जंगल से है। जैसे शोएबा डायरेक्टली जंगल से लेते हैं वैसे जी है। ही ठीक है तो ये भी सेल आउट करना है जी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बकरा है तो कुछ डिटेल्स बताइए इसके बारे में ये भी छः दाँत पे बकरा है बकरा है जी हां दांत छठा दांत लगाया ओके और हाइट वगैरह कितनी होगी थर्टी सेवन तो कन्फर्म हो गई थर्टी सेवन कन्फर्म है आ, बकरा शॉर्ट हाइट दिख रहा होगा लेकिन शॉर्ट नहीं है बकरा लेवल में जैसे नॉर्मली बकरे होते हैं लेंथ अच्छी है बकरे की लेंथ में बकरा अच्छा है और जैसे अभी आप लोग देख सकते हैं बकरे गर्मी की वजह से नहीं खा रहे कल रात में काफ़ी बारिश हुई है बहुत तड़ाकेदार बिजलियां भी, भी खड़की भी है हाँ। तो थोड़ा बकरे बिचक जाते हैं जाते और क्लाइमेट अचानक में चेंज हुआ कल ठंडा तो था से बकरे बकरे ने ने कौन सी कुछ भी नहीं क्योंकि सुबह रात में ठंडा होगा अभी गर्म हो रहा हो होगा हाँ। तो इस वजह से हम लोगों को भी एकदम प्रॉब्लम हो रही है बकरे ने पानी भी नहीं पिया है तो ये क्लाइमेटिक चेंजेस जो होता है बकरों का वो ये चीज़ है तो सुल भाई ये बकरा से अलाउट करना है क्या मांग रहे हो इस बकरे का अपना थर्टी सेवन थाउजेंड आस्किंग प्राइस है बकरे की तो इसमें नेगोशिएबल है स्लाइटली नेगोशिएबल हो जाएगा स्लाइटली नेगोशिएबल हो, हो जाएगा वैसे मैं सामने से एक बार बता दूँ बकरा बकरा आप लोग सामने से देख सकते हैं एक बार नजदीक से बता देता हूँ फुल गुलाबी बकरा है वाइट खूर है थोड़ा गंदा हो गया है बारिश हो रही थी वरना नीला निलाए निलाए नहीं क्या बोलो उजैफा वीडियो में समझ भी नहीं आएगा गुलाबी बकरा है गुलाबी बकरा है आप कुछ पूछना चाहते हो मैं पूछना चाहता हूँ सुल भाई बकरे कहाँ से खरीद रहा हूँ इतने अच्छे से पहले लोगों को वो बताओ भाई बकरा तो अपन तो अपने जो दोस्त लोग हैं उनके पास ही बकरे लेते हैं जो कोटा जंगल में ये सब बकरे अलग ही क्वालिटी के जी हाँ उनके वैसी नायब चीज़ अपने को दोस्त लोग वैसे ही देते ही है वैसे ही जी कि सुहेल भाई यही खरीद लो तुम हाँ वही सब तो थर्टी सेवन थाउजेंड बोले ना आपने थर्टी सेवन थाउजेंडाउंड बोला हूँ स्लाइडली निगोशियेबल हो जाएगा ठीक है स्लाइटली नेगोशिएबल है और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का कैसा रहेगा ट्रांसपोर्टेशन अपन कर लेंगे जी तो उसमें एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है कस्टमर साइड से ठीक है उसमें ये नहीं करेंगे जो चार्जेस पलाई ईद तो, तक की पलाई तक की पलाई अभी तो समझो अभी किसने बकरा ले लिया जी अढ़ाई तो हज़ार रुपया है हाँ लास्ट अपुन देख लेंगे कुछ ऊपर नीचे गुंजाइश करना है तो कर देंगे तो ये पहला बकरा था दूसरा बकरा भी देख लेते हैं दूसरा बकरा काफी अच्छा है क्वालिटी में और यहाँ पे एक बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से अभी ट्रेन क्रॉस होगी मैं बता देता हूँ लोगों को मुझे मुजेफा व्यूज़ कैसे लगे आपको खेड़ के बहुत अच्छा लगा मुझे मैं दो दोनों वीडियो में दिखाया ये देखो ये जो जा रही है ये रेल ट्रैक है काफ़ी नज़दीक में ही है छोटी ट्रेन है ये कौन सी ट्रेन है वैसे सर वैसे अच्छा ट्रैक चेंज की ट्रेन है वाह फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं ट्रैक चेंज की ट्रेन है तो सोहेल भाई ये एक और एक बकरा है जी आ, मक्का ये चीना कलर में। मक्का चीना में है आ, ये भी काफ़ी अच्छा बकरा अभी तक रुबाब पे नहीं आया आपने जी नहीं। मैं ये बोलूँगा कि रुबाब पे नहीं है बकरा जो बकरा दिख रहा है शायद आप लोग को लग रहा होगा कि रुबाब है बकरे में फेस वगैरह में आपको बता दूँ इसका फेस भी देख सकते हैं कोटा में है बकरा हाइट कितनी है इसकी थर्टी नाइन की हाइट की हाइट है लेंथ बता दो बकरे की लेंथ भी काफ़ी लेंदी बकरा है और अभी कितने दाद पे ये छठा दाँत तोड़ा, तोड़ा है मतलब तो अभी जब अभी तोड़ा एकदम प्योर भी नहीं बता सकते पूरा नहीं, नहीं खोला है अभी तोड़ा है जस्ट अभी तोड़ रहा है यानी एकदम अभी थोड़ा निकल गया है निकल गया ना ठीक है बट अगर ये बकरा खुलेगा उसके बाद में ये अपना रुबाब बताएगा जब ये अपने लेवल पे आएगा जब बनने के क्योंकि ये बकरा अभी तक वो हिसाब का रुबाब नहीं दे रहा है सिर्फ ये अभी ऐसा लग रहा है ये छोटा है मुझे लगता है छह दाँत इसने काफी जल्दी कर लिया है आपका क्या व्यू है

उस हिसाब से पता चल रहा है कि आपकी खिलाई पिलाई रखने का सिस्टम कैसा है कि बकरा इतना तक काटते हुए पलाई पर बकरे देख सकते हैं तो सोहेल भाई ये बकरा भी सेल करना है छह दांत में बताया सोहेल भाई सर वजन इसका 72 है 72 है। जी। टू है लेकिन एम्टी स्टमक है वो परफेक्टली 72 है अब भी केस में अब भी केस में सेवेंटी टू पे है क्योंकि हम लोग लाइव वेट कर चुके हैं बकरे का सामने सामने तो हम लोग ने देखे सेवेंटी टू के जी वेट है वैसे अगर किसी को वेट वगैरह के लिए कन्फ्यूजन होगा तो उनको वीडियो मिल जाएगी करा के देंगे। वीडियो कॉल पर भी दिखा देंगे और छेद आत पे थर्टी नाइन हाइट है लेंथी बकरा है पल्टी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है तो जिसको भी अगर इसका प्राइजिंग भी बताएंगे बताएंगी इसका भी प्राइसिंग बताएंगे इसका प्राइसिंग क्या है आस्किंग प्राइस इसका ओके स्लाइटली नेगोशिएबल है फोर्टी थाउजेंड आस्किंग प्राइस बट इसमें भी सोयल भाई बोल रहे हैं नेगोशिएबल हो जाएगा कैसे लगे आपको प्राइसिंग हुसेफा नेगोशिएबल रेट है जंगल में सब कोटे का रेट हाई चल रहा है अभी जंगल में कोटे का रेट हाई चल रहा है हाँ हाई चल रहा है ओके तो, तो, तो क्या तो रीजन है आप इतना सस्ते में दे रहे हो कुछ रीजन है खास आप इतना चीप रेट में दे रहे हो तो अज्मान भाई वैसा ये नहीं है कि आदमी लोग का शौक भी हो कुर्बानी भी हो जी ये हिसाब से अपन ओके ठीक है तो ये उन्होंने रीज़न बता दिया कि ये सस्ते रेट में इसलिए साल इंशाल्लाह जो अगर शौकीन है ना वो देखेगा ना बकरा आ, कैमरे में शायद बकरा दिख रहा हो उतना या नहीं दिख रहा हो लेकिन अगर लाइव आके सामने देखेगा ना तो वो खुद समझ जाएगा कि पलटी वाली चीज़ बहुत अच्छी है ये देखो बकरे का एग्रेशन देखो मैंने बोला ना सोहेल भाई ये रुबाव पर नहीं आया है अपने रुबाब पे आना भी थोड़ा टाइम है छोटा है अभी बकरा मुझे लगता है ये अभी डेढ़ साल का ही होगा मेरे हिसाब से डेढ़ या दो साल का होगा मैक्सिमम मैक्सिमम ये देखो ये देखो देख। बहुत एग्रेसिव बकरा माशा तो इसका नहीं छेड़ेंगे सोहेल भाई आ, नंबर बोल दीजिए एक बार डबल नाइन सिक्स ज़ीरो थ्री टू थ्री डबल नाइन वन ओके तो ये आप लोग सोहेल भाई का नंबर स्क्रीन पे देख सकते हैं आ, तो उजीफा बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आपका भी आने के लिए मेरे साथ में और ये इनशाला बकरे जल्दी सोल्ड आउट हो जाएंगे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे इन्शाल्ला और इन्शाल्ला इन इन फ्यूचर और भी काम करेंगे साथ में ठीक है मैं तो ये चाहूंगा कि सब मिल काम करें इन सीखने मिलेगा एक दूसरे से जी लेना अभी आज भी जैसा मेरे को सीखने मिला खुल्ला बोल रहा वीडियो में मेरे को स्लो मोशन बता आपने कैसा बता बनाने का एडिटिंग कैसा करने का सब बता आपने शुक्रिया अदनान भाई इंशाल्लाह आगे भी साथ में काम करेंगे इंशाल्लाह तो सोल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अभी और आपके जो बकरे है दूसरे कलेक्शन वो हम लोग खाना खाने के बाद देखेंगे ठीक है चलिए अल्लाह हाफिज़